Hello everyone, welcome to YouTube. This side Sakshi here, and today I have created a new video on business mathematics subject, जिसमें मैं आपके business mathematics के subject में unit 3 पढ़ाऊँगी. Unit 3 किससे deal करता है बेटा? Unit 3 deal करता है basic mathematics of finance से, जिसमें आपको basically पढ़ना क्या है, compounding interest का concept. कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक समझेंगे, फिर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का टॉपिक समझेंगे, फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हम पर एनम की बात करेंगे, हाफ ईयरली की बात करेंगे, क्वार्टरली की बात करेंगे, फिर हम इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट्स पे जाएंगे. दैट मीन्स ये जो पूरा आपका चैप्टर का नाम है ना, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहीं पर लिखा गया है या कहीं पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के नाम से है, ये जो पूरा चैप्टर है ये एक पूरा यूनिट है, यूनिट 3. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक टॉपिक है, ये बेटा पूरा यूनिट है और इस पूरे यूनिट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा. और बेसिकली इट इज़ मैथ्स, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि थ्योरी करके आ जाएंगे हम. मैथ्स इज़ ऑलमोस्ट क्या, मैथ्स इज़ 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो परसेंटेज पर आ सकते हैं या अमाउंट की फिगर निकालना आ सकते हैं. तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए, और इस कंसेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये मैं सब सिखाऊंगी एक एक करके. ठीक है, दिस लेसन विल बी आर पार्ट वन, ये हमारा पार्ट वन होगा. ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स मैं अपलोड कर लूँगी आप लोगों के लिए. ठीक है, और ये जो कोर्स है ये बी कॉम प्रोग्राम एज वेल एज बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी है ये चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. इवन इट इज़ इन सेकेंड ईयर ऑल्सो. फर्स्ट ईयर में जो MDU से कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर में है, और सेकेंड ईयर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोल में कर रहे हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो ये उनके सिलेबस में है. तो प्लीज़ गाइज ध्यान से टॉपिक को पढ़ना मेरे साथ और कनेक्टेड रहना, और पार्ट वन से पार्ट टू, फिर पार्ट टू से पार्ट थ्री, ऐसे पार्ट कनेक्टेड करते जाएंगे हम और अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे. ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, आप दोबारा एक्सप्लेन करिए. आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, बट आप लोग मुझे बताइएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट वन में. ठीक है, क्या है क्या नहीं. ओके, पार्ट वन में सबसे पहले हमको क्या समझना है, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. बेसिकली हमें पता होना क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, हम क्यों पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक. देखो, व्हेन पीपल डोंट हैव इनफ मनी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता या अपनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती, किसके लिए, फॉर मीटिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर, जब आपको एक बड़े अमाउंट में खर्चा करना होता है और आपके लिए उसके पास इतना पैसा नहीं है, आपने उतनी सेविंग्स नहीं कर रखी, जैसे एक्सपेंस ऑन मैरिज. बेटा शादी के लिए आपको पता है कम से कम 4, 5, 10, 15 लाख भी लगते हैं, तो दिट इज़ अ बिगर अमाउंट. या आपको एक घर खरीदना है, इसके लिए आपको बहुत सारी सेविंग्स और बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, पर लोग हर बंदे के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, तो दे यूज टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर. तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, बैंक से लोन लेता है या मनी लेंडर से लोन लेता है. मनी लेंडर या बैंक जो होता है वो आपको पैसा तभी देता है जब आप प्रॉमिस करते हो उसको कि मैं इस पैसे को, बोरोड मनी को, जो मैं मनी बोरो कर रहा हूँ उसको मैं रिटर्न बैक कर दूंगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. बेटा कोई भी पर्सन या कोई भी बैंक आपको ना हमेशा के लिए पैसे नहीं दे देता है, देर इज़ सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कि ये जो लोन है ये 5 साल के लिए दिया जा रहा है या ये जो लोन है ये 6 साल के लिए दिया जा रहा है. 6 साल के बाद आपको इसको लोन को वापस करना पड़ेगा बैंक को, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको ये रिटर्न बैक करना होता है. बट द थिंग इज, जो हमें नोट डाउन करनी है, जो पॉइंट हमें नोट डाउन करना है वो ये है कि आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो बोरोअर होता है, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो आपका जो बोरोअर होता है उसको रिटर्न करना पड़ता है बोरोड अमाउंट जो उसने बोरो किया प्लस जो एडिशनल मनी है टू बी पेड फॉर यूजिंग लेंडर मनी. आपने बैंक से जो पैसा लिया है, मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और आपको 5 साल के बाद उसे पे करना है, तो 10 लाख रुपए का लोन आज जो बैंक आपको दे रहा है, 5 साल बाद बैंक आपसे 10 लाख रुपए ही लेगा, क्यों भाई, उससे अच्छा तो वो 10 लाख रुपए कहीं लगा देता बैंक, उसको हर साल इन्वेस्टर पैसे तो मिलते रहते हैं, रिटर्न तो मिलता रहता है. अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हो, मान लो अगर बैंक ने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेते 10 लाख रुपए के, तो उसको उन 10 लाख रुपए पे रिटर्न मिलेगा डिविडेंड हर साल. तो बैंक
वो 10 लाख रुपए का तो शेयर सर्टिफिकेट मिल ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल रहा है, तो बैंक आपको क्यों लोन देगा? बैंक या मनी लेंडर इसलिए लोन देते हैं क्योंकि जो पर्सन लोन ले रहा है वो उसके पैसे को यूज़ कर रहा है, और यूज़ करने के जो वो पैसा यूज़ कर रहा है उसके लिए वो इन रिटर्न उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। तो बोरोड अमाउंट तो वापस करना ही करना है, प्लस एडिशनल मनी जो वो उसके पैसे को यूज़ कर रहा है उसके लिए भी वो उसको पैसा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपये कर्ज उठाया है 3 साल के लिए, तो मुझे 3 साल के बाद 10 लाख रुपए नहीं देने आपको, 10 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट देना है क्योंकि मैंने आपका पैसा यूज किया है। मेरी पॉइंट क्लियर हो रहा है? दैट मींस याद रखना, जो अमाउंट हम लेते हैं तो वो बोरोड मनी है, बट जो अमाउंट उस बैंक को वापस करते हैं तो बोरोड अमाउंट प्लस एडिशनल मनी हम उसे वापस करते हैं, और इस एडिशनल मनी को हम नाम देते हैं इंटरेस्ट, कि ये इंटरेस्ट उसने कमाया, एक्स्ट्रा अमाउंट उसने कमाया। इवन आप खुद सोचिए ना, आपके पास अगर मान लो 5,000 रुपये है, आप अपने किसी को पैसा दे रहे हो, तो क्या फ्री में पैसा दोगे? क्या क्यों फ्री में पैसा देंगे? इससे अच्छा हम कहीं पर इन्वेस्ट कर लें, या हम कुछ खा लेंगे उस पैसे से, या हम कुछ शॉपिंग कर लेंगे, घूम आएंगे, नहीं, बट फिर भी हम किसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो हमें उसे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा तभी हम किसी को पैसा देते हैं। दैट मींस 5,000 रुपये पे अगर मुझे 1,000 या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो ही मैं उसको पैसा दे रही हूँ। बात क्लियर हुई है कि हम क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट वापस बैंक को क्यों मिलता है? पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ये है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। जब मनी बोरो किया जाता है या मनी लेंड किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या वर्ड्स याद रखने हैं? देखो, लेंड कौन कर रहा है? लेंड कौन कर रहा है? बैंक। बैंक पैसा दे रहा है, और बोरो कौन कर रहा है? जो पैसा ले रहा है, ठीक है, पर्सन। पहला आपके पास क्या वर्ड है? प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? मनी बोरोड बाय अ बोरोअर, जो पर्सन पैसा बोरो कर रहा है किससे? मनी लेंडर से या बैंक से, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय पी। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? कि आपने कितना पैसा बोरो किया बैंक से। आप बैंक गए, आपने बोला मुझे 10 लाख रुपये का लोन चाहिए, तो ये जो 10 लाख रुपये हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का आपने लोन लिया। क्लियर? और प्रिंसिपल को कैसे डिनोट किया जाता है? पी से। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट। एडिशनल मनी टू बी पेड टू द लेंडर फॉर यूजिंग हिज मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। आपने उससे 10 लाख रुपए का लोन तो ले लिया, तो वो जो बैंक है वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे भी इन रिटर्न कुछ एक्स्ट्रा मिले, तो वो जो 10 लाख रुपए आप बैंक का यूज़ कर रहे हो उस पे जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे वापस बैंक को, तो वो अमाउंट क्या होगा? इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? आपने बैंक का 10 लाख रुपए यूज़ किया, तो वो यूज़ करने के लिए आप उसको क्या पैसे पे करोगे? दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। पॉइंट इज क्लियर? ओके, इंटरेस्ट इज डिनोटेड एज आई। इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। प्रिंसिपल को कैसे डिनोट करते हैं? पी से। और इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन क्या है? अमाउंट। टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज नोन एज अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट क्या हुआ? एक्चुअल अमाउंट का मतलब होता है कितने का रुपए का आपने लोन लिया, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब आप ऐड कर लेते हो, इसका मतलब आपको ये रिटर्न बैक करना है। तो व्हाट इज अमाउंट? जो भी पैसा आप रिटर्न बैक करते हो। कौन रिटर्न बैक कर रहा है? जिसने पैसा यूज किया है। किसको रिटर्न बैक कर रहा है? जिससे उसने पैसा लिया था, दैट इज बैंक। आप बैंक को कितना अमाउंट रिटर्न बैक करते हो उसको बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट किससे डिनोट किया जाता है बेटा? ए से। किससे डिनोट किया जाता है? ए से। क्लियर? अब फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या आप उसको ऐसे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। क्यों? क्योंकि बेटा जितना अमाउंट मुझे रिटर्न बैक करना है, वो तो जितना पैसा बोरो किया वो तो रिटर्न बैक होना ही होना है। आप 10 लाख रुपए का लोन लेने गए थे, 10 लाख रुपए तो वापस जाएगा ही जाएगा बैंक को, प्लस उस 10 लाख रुपए को आपने यूज किया। इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आपने उस 10 लाख रुपए को 3 साल यूज़ किए, तो 10 लाख रुपए को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करती 3 साल के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता ही मिलता, तो बैंक भी एक्सपेक्ट करता है कुछ आपसे, तो आपको वो 10 लाख रुपए जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट
देना पड़ता है। इनडायरेक्टली आपको रियल लाइफ बताती हूँ, जब आप बैंक में FD कराने जाते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो क्या पैसा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं ना, उस पर हर साल या मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता रहता है। दैट मीन्स आप जब FD करा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, आप किसी पर्पज से डिपॉजिट कराते हैं, सेविंग पर्पज से या फॉर फ्यूचर इनकम कि एक्स्ट्रा हमें मिलेगा, तो वही चीज़ वो एक्स्ट्रा बैंक आपको देता है। वो तब होता है, बैंक तब आपको देता है जब बैंक को आप पैसे देते हो। यहाँ पे आप बैंक से पैसे ले रहे हो। जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो, हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है वहाँ पे हम बोरिंग और लेंडिंग की बात कर रहे हैं। जो मैं नॉर्मल कंसेप्ट समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, कि वो जो आपने 10,000 रुपये की FD कराई है एक साल के लिए, तो आपने वो पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब आप बैंक से भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो वो 10,000 रुपये पे जितना भी FD का इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके टोटल अमाउंट देते हैं। तो टोटल अमाउंट किससे बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। पॉइंट इज क्लियर? तो मैंने आपको बेटा 3 डेफिनेशन सिखाई हैं, एक है प्रिंसिपल, एक है इंटरेस्ट और एक है अमाउंट। प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने बोरो किया बैंक से, इंटरेस्ट उस अमाउंट जो आपने अमाउंट बोरो किया उस अमाउंट को आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, और उसके बदले यूज़ करने के बदले आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका इंटरेस्ट है, और अमाउंट आपको वापस से बैंक को रीपे करना पड़ेगा जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप रीपे करते हो तो जो अमाउंट आपने बोरो किया वो तो रीपे करना ही करना है, प्लस उसको यूज़ करने के लिए जो आपने पैसा एक्स्ट्रा देना है वो ऐड हो जाता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेट। फोर्थ पॉइंट इज रेट। अमाउंट चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम, यूजली ऑन अ ईयर और एनम बेसिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कितने रेट पे इंटरेस्ट लगना है। वैसे हम जो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अभी हम अमाउंट की बात कर रहे थे कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है 5,000 रुपये, वो अमाउंट की बात थी। बट रेट का मतलब है हम अभी परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो एडिशनल अमाउंट मुझे इंटरेस्ट का देना पड़ रहा है वो कितने रेट पे देना पड़ रहा है, कितने परसेंटाइल्स पे देना पड़ रहा है, और वो बेसिकली किस पे होता है? ईयरली या एनम बेसिस पे होता है। पूरे एक साल के अकॉर्डिंग काउंटिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड रेट परसेंट, और इफ रेट परसेंट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर इट इज नोन एट रेट परसेंट पर एनम। अगर आपके पास रेट परसेंट पर एनम लिखा है, इसका मतलब ये जो रेट है ये पूरे एक साल का लगाया गया, ठीक है। रेट परसेंट कैसे दिए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5% या 10% पर एनम। तो ये 10% पर एनम या 5% पर एनम मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो इतने रेट पे कैलकुलेट होगा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बैंक से 1,00,000 रुपये का लोन लिया है 5% पे, इसका मतलब मुझे 5% 1,00,000 रुपये पे देना है। तो 1,00,000 रुपये का अगर हम 5% निकाले तो इट इज 5,000, राइट। तो मुझे 1,00,000 रुपये तो रिटर्न बैक करना ही करना पड़ेगा बैंक को, प्लस मुझे जो 5,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा बैंक को। ये बात समझ आई कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट परसेंट एक ही बात है। ये होता है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट आप निकालेंगे वो किसी परसेंटेज के बेसिस पे निकलता है, तो वो परसेंटेज क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? आर से। जैसे प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया जाता है, इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया जाता है, अमाउंट को ए से डिनोट किया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। पॉइंट इज क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिफ्थ पॉइंट इज टाइम। द पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितने पीरियड, कितने टाइम के लिए आप इस मनी को बोरो कर रहे हैं बैंक से इज नोन एज टाइम पीरियड। मैंने वैसे ही पहले बताया कि बैंक आपको हमेशा के लिए टाइम के लिए लोन नहीं देता, बैंक आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए टाइम देता है। हो सकता है 2 साल तक के लिए लोन दे रहा है, हो सकता है 10 साल का लोन दे रहा है, हो सकता है 4 साल का लोन दे रहा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशंस या इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू एंड द बैंक, जो भी आपकी डीलिंग होती है वो आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। जितने दौरान के लिए वो आपसे आपको अपना पैसा यूज़ करने के लिए दे रहा है, उतने ही दौरान उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आपसे उसके यूज़ करने के पैसे भी लेता है, दैट इज़ इंटरेस्ट। क्लियर? और टाइम पीरियड जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है बेटा? टी से। पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज थी। पहला आता है प्रिंसिपल, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आता है टाइम पीरियड। प्रिंसिपल जो अमाउंट आप बोरो करते हैं बैंक से,
ठीक है, इंटरेस्ट जो अमाउंट आपने बोरो किया उस अमाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के लिए आपको उसके अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं. अमाउंट जो पैसा आपको रिटर्न बैक करना पड़ता है बैंक को, वो किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया वो तो रिटर्न बैक करना ही करना है, प्लस जो आपने उस पैसे को यूज़ किया फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है बेटा? अमाउंट के. थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितने रेट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. और हमेशा ज्यादातर याद रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिखा है तो इसका मतलब आपको पूरे एक साल का ये रेट लगना है, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन. कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. और प्रिंसिपल किससे डिनोट किया जाता है? पी से. इंटरेस्ट किससे डिनोट किया जाता है? आई से. अमाउंट किससे डिनोट किया जाता है? ए से. रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिनोट किया जाता है? आर से. और टाइम पीरियड किससे डिनोट किया जाता है? टी से. पॉइंट इज क्लियर? देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको साइड बाय साइड, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ आएगा टॉपिक, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताना. क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको मेरे चैनल को प्राक्षी क्लासेस. आप सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे आपके पास अपडेट्स आती रहें कि वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आप टाइम टू टाइम वीडियोज़ को देख पाएँ, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू.